आज से बिहार को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन दुकानें शाम के 5 बजे तक खुल सकती हैं। कैसी तस्वीर नजर आ रही है अनलॉक के पहले दिन? पटना के दिघा आशियाना रोड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और चूंकि सुबह का वक्त है इसलिए यहाँ पर चहल पहल ज़्यादा देखी जा रही है। मैं और जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा है उनकी संख्या ज़्यादा देख पा रही हूँ, क्योंकि सड़कों पर अब लोग निकल सकते हैं, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, केसेस कम हुए हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तमाम गाड़ियों को मैं इस वक्त देख रही हूँ, सड़कों पर भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि ये वक्त जो होता है ये ऑफिस जाने का होता है, इसलिए भी संभवतः लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। मार्केट्स जो है वो खुल गए हैं आज से, और ये तस्वीर नज़र आ रही है लोगों की, जो लोग सामान खरीदने के लिए आज घर के बाहर निकले हैं। और ये ठेला आप देख सकते हैं, सब्जियों की फलों का जो ठेला है वो लगा हुआ है। सड़क किनारे दुकानें एक बार फिर से सजती हुई नज़र आ रही है, और लोग कितने सचेत हुए हैं, कितने जागरूक हुए हैं, ये पता चलेगा तब जब संक्रमण को लेकर के जो ये पूरा हफ्ता है ये वॉच वीक के तौर पर देखा जाएगा, तो क्या संक्रमण फिर से बढ़ रहा है ये बाद में तय किया जाएगा। फिलहाल लोग पहुंचे हैं घर से बाहर, आज से अनलॉक हो गया है बिहार, थोड़ी राहत महसूस? हाँ, अभी राहत तो है, पर बच बचा के ही चलना है अभी, तो ठीक है, हम लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, बाकी सब ठीक। सामान खरीदने निकले हैं पूजा के लिए, सामान जरूरी है, कल पूजा हम लोग का है तो ये भी जरूरी है, इसीलिए बस इसीलिए बच बचा के हम लोग काम कर रहे हैं। जाकर तो निकलना है? निकलना ही है, बहुत हम लोग बच बचा के चल रहे हैं। ठीक ठीक, तो इस तरीके से लोग जो है वो फिलहाल निकल रहे हैं सामान खरीदने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चौधरी हुआ। सामान खरीदने निकले या ऑफिस जाने? नहीं नहीं, हम वकील से मिलने आए थे। अच्छा। केस के संबंध में जी। इतने दिनों बाद सड़क पर लोगों की चहलकदमी? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें होना भी चाहिए, सबको इसमें जो है आज़ादी से कमाएगा खाएगा, बहुत तकलीफ हो रहा है गरीबों को। मास्क नहीं भूलना है, मास्क पहन लगा रखे हैं। हाँ जी जी जी, मास्क तो लगा के चलना है। ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, नजर आ रही है। और ये बताइए दादा, लोग फल सब्जियाँ खरीदने आज से निकलेंगे, आप लोगों को थोड़ी राहत होगी? हाँ होगी, इतने दिन से बंद था सब कुछ। हाँ बंद था, थोड़ा दिक्कत था, अब खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसी तस्वीर है यहाँ पर, ये गाड़ियों की संख्या जो है वो मैं ज्यादा देख रही हूँ आज। सर किसी काम से निकले थे? बिल्कुल बिल्कुल, काम से निकले। आज से जो है चहलकदमी बढ़ गई है, लोग जो है वो निकलने लगे हैं, लॉकडाउन खुल गया है, कैसा लग रहा है? पहले से तो कुछ माहौल अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि लोग अपने आप में सेफ्टी बरत के ही निकलें और बिना काम के ना निकलें, एक बार फिर स्थिति ना बिगड़े इसलिए लोगों को संभल कर रहना। जी जी हाँ बिल्कुल, स्थिति अच्छा रहना चाहिए और सभी लोग अपने अपने सुरक्षित रहें, बस यही कहना चाहेंगे। और जो भी निकले अपने काम से निकले, गांव बिना काम का निकलना कोई ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग वर्कर हैं तो काम से ही निकलते हैं, तो जो जो काम है उसी काम से ही निकलना है, अनावश्यक नहीं निकलना। देखिए लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको बेहद ज़रूरी काम है तभी निकलिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा टला नहीं है। सरकार ने ये सहूलियत सिर्फ इसलिए दी है ताकि लोगों को थोड़ी आसानी हो अपना काम करने में, सामान खरीदने में, या जो भी ज़रूरी काम जिसके लिए वो सड़क पर निकले। फिलहाल एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी दिघा आशियाना रोड की, जहाँ पर गाड़ियों की संख्या में आज पिछले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा देख रही हूँ। संभवतः ये लोग ज़रूरी काम से ही निकले हो, क्योंकि सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियों का मतलब है लोग बाहर निकल रहे हैं, और इससे भीड़ भाड़ बढ़ सकती है, और भीड़ भाड़ से जाहिर सी बात है संक्रमण का खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए लोगों से अपील भी की जा रही है, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए भी लोगों से अपील की कि भीड़ भाड़ से बचना ही सबसे बेहतर उपाय है, भीड़ भाड़ से बचने की सलाह उन्होंने दी है। खासतौर पर अगर आप बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो एक साथ लिस्ट बना लें, और जब बेहद ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचे, और कोरोना को खत्म करने की लड़ाई में आप सभी शामिल हो। अपने सहयोगी विकास के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।